दिल्ली सरकार अब जल्द ही सभी बार को 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति देने जा रही है। इस खबर के सामने आते ही दिल्ली में इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिसमें बार संचालकों को तड़के 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। खबरों के अनुसार सरकार ने आबकारी विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किया है और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है। इस खबर के सामने आते ही दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के भारी विरोध के बावजूद नई शराब नीति के तहत दिल्ली में रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट हॉल, होटलों और क्लबों को 201 नए लाइसेंस देकर इनमें अब शराब रात्रि 3 बजे तक परोसने का प्रबंध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब माफिया के साथ भ्रष्टाचार करके दिल्ली सरकार ने इन लाइसेंसों और नई आबकारी नीति के तहत दिए गए लाइसेंसों का आवंटन किया, जिसका उजागर करने और जांच की मांग के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी मिलने का समय मांगा है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है, जहां एक ओर दिल्ली में पानी की किल्लत के कारण आमजन त्रस्त है, वहीं दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के अंतर्गत शराब के ठेका को सुबह 3 बजे तक खोलने का निर्णय आम आदमी पार्टी की जन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कोई भी 25 साल का नहीं है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गुंडागर्दी मचा रखी इन्होंने, जिस मर्जी को उठा के दे देते हैं। को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।